है। फर्स्ट में आपको सिंपल डेरिवेटिव निकालना है, पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी। वो तो सेकंड कर में भी सेम करना है। थर्ड में वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल लेना है, तो लो, आपको क्या लॉग करना है, लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स लॉग लगाना है। लॉग लगाना है तो आपको y इज इक्वल टू 5x रेज टू पावर 3 कॉस 2x, तो लॉग लेना है। इसमें वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो लॉग ले लेना है बोथ साइड। लॉग वाई हाँ, इज इक्वल टू, और फिर वो पावर आगे आ जाएगी कॉस 2x इनटू लॉग 5x। फिफ्थ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, चेन रूल का क्वेश्चन है, सॉरी हाँ फोर्थ, फिफ्थ वाला। फिफ्थ भी वैसे सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बट मैं चलो करवा देता हूँ। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x बाई टू अपॉन क्या है, 2x+7। रूट या टू तो आप एक्स इसके कोशेंट रूल लगा सकते हो, या कोशेंट रूल थोड़ा इसमें तंग करता है, तो प्रोडक्ट रूल लगा लो। कॉस इनवर्स x बाई टू इंटू 2x+7 की पावर माइनस हाफ हो गई, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, लगाओ। मैंने सोचा पान्या ने तो एक्स्ट्रा क्लास करवा के जो बेनिफिट लिया था वो सारा रिवर्स कर दिया। क्यों? हमने सिलेबस को आगे भगाया था, एक छुट्टी करके आपने पीछे कर दिया। नहीं, सब सारे सब सही चल रहा है, हो गया। एक्स बाई टू का होल स्क्वायर आएगा, होने वाला था बस इसीलिए। इंटू में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2x+7 रेस टू द पावर माइनस हाफ एज इट इज रहेगा, प्लस कॉस सॉरी, एक्स बाय टू माइनस हाफ माइनस हाफ आ गया, आ गया -3/2 हो जाएगा, इनटू 2 आएगा। टू एक्स इनटू टू कॉस इनवर्स, ठीक है, ये टू कॉस इनवर्स हाफ क्यू, तो ये इसका डेरिवेटिव है ना, 2x+7 का हाँ टू इनटू एक्स 2। प्लस 7 2 आएगा बस वो। अच्छा मैंने वो पहले लिख लिया, ठीक है हो गया इस 2 से सर। टू अब उसको फ्रेंड्स। सिंपलीफाई कर सकते हैं सर, हाँ, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया x²/4 होगा, तो ये 4 - x² हो जाएगा, और नीचे का 4 रूट से बाहर आएगा और ऊपर आ जाएगा। ने आपने क्या किया नीचे मैंने यहाँ का? एलसीएम ले लिया, x²/4 बना था ये, 1 - x²/4। ओके भी आगे सिंपलीफाई यहाँ तो नहीं होगा कुछ, तो 2 से 2 जरूर क्रॉस आउट हो जाएगा तो वो 1 हाँ, कर यहाँ पर देंगे। 2 से 2 क्रॉस आउट हो जाएगा, माइनस, यहाँ तो 2 कट आउट कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस ये भी नीचे 3/2 हो चला जाएगा। 2x+7 रेज टू पावर 3/2 इंटू कॉस इनवर्स x/2। ठीक है, बस ये फाइनल आंसर। मैं यहीं छोड़ दूँ। चलो 6 क्वेश्चन करके दिखाओ, कैसे करेंगे बताओ। इसकी 1 + sin x को हम बोल सकते हैं वो क्या कहते हैं cos²x, नहीं साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1
बताओ कैसे करेंगे। सेकंड सोच रहा हूँ। देखो जरा, रूट ऑफ 1 प्लस sin x, ये क्वेश्चन हम इन्वेस्टिगो में भी कर चुके हैं। हाँ, रूट ऑफ 1 प्लस sin x क्या होता है? 1 को लिखेंगे cos² x/2 प्लस sin² x/2, 2 sin x/2 cos x/2। तो ये cos x/2 प्लस sin x/2 हो जाएगा होल उसका होल स्क्वायर। स्क्वायर, होल स्क्वायर से कट हो जाएगा और आ जाएगा हमारे पास cos x/2 प्लस, साइन ठीक है। इन्वेस्टिगो में कहाँ किया था? क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे, इसका हमको दिख गया 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x। सॉरी, अब इसमें पूरी प्रॉपर्टी तो हम लगाएंगे नहीं, बट 1 माइनस sin x का तो दो पॉसिबिलिटी थी ना, कि वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। उसमें डिपेंड करता है कौन सा बड़ा एंगल है। हाँ, 0 से π/2 का इंटरवल दिया है, ठीक है। तो x/2 कहाँ पर होगा, 0 इज लेस देन x/2, लेस देन π/4, 0 से π/4 हुआ। 0 से π/4 पे कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है, तो हमें पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव तो cos माइनस साइन आएगा, कॉस माइनस है। कॉस तो cos x/2 माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, यस सो तो हम 1 प्लस sin x को लिखेंगे कॉस x/2 प्लस sin x ये हो गया प्लस कॉट इनवर्स, टू का होल स्क्वायर। cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस ये आ जाएगा। आपकी क्लास में कहाँ तक हो गया? डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी स्कूल में तो हम उसमें इससे पहले वाली एक्सरसाइज 5.7। मतलब हम क्लास से आगे चल रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ। देखो, मैंने छुट्टी यूटिलाइज करी है सर, आज भी छुट्टी का लास्ट दिन है, सुबह उठ के मैथ्स पढ़ने वाली है। इससे इसको कट करो, अच्छा इसको वाई की इक्वल लिख लो, हाँ, तो बाय है। हाँ, तो वाई क्या आ जाएगा, x/2 dy/dx क्या हो जाएगा। देखो, डेरिवेटिव तो हमने सिर्फ इतने पार्ट में किया है, बाकी जो पूरा पेज भर दिया ना हमने, इसमें सिर्फ सिंपलीफाई किया है। सिंपलीफाई कर दूँ। ऊपर 2 cos x/2 और नीचे 2 sin x/2 और बाहर cot inverse है, तो टू टू कैसे होता है? वो y
कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाय टू, वाई इज इक्वल टू एक्स बाय टू, तो इसका डेरिवेटिव हाफ है। पर इतना लंबा चौड़ा करने के बाद डेरिवेटिव भी हाफ आ रहा है, बताओ। फुल तो लाओ। मैंने कहा नहीं था एक बार जब हम वो इन्वर्स वाली एक्सरसाइज की मिसलेंस में ऐसे भी क्वेश्चन है, डेरिवेटिव तो हम एक ही स्टेप में करेंगे। एक्स बाई टू का डेरिवेटिव तो बहुत सिंपल सा है, बट हमने पूरा पेज हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करने में लगाया है। सेवन्थ वाला आप खुद ट्राई करेंगे बेटे, एट्थ भी खुद करेंगे, नाइन्थ भी वैसे तो आपको कर लेना चाहिए, टेंथ भी कर लेना चाहिए, इलेवंथ भी कर लेना चाहिए, ट्वेल्थ भी कर लेना चाहिए, थर्टीन्थ बिल्कुल, भी कर लेना चाहिए, फोर्टीन्थ पे आ जाओ। आप बताओ कौन सा करना है अब। फोर्टीन पे आ फर्स्ट जाओ, वो सारे बेसिक क्वेश्चन है ना? नहीं आएंगे तो मैं देखूंगा। एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस वाई इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो है। इस क्वेश्चन में हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। आप आईआईटी जानते हो क्या होता है? क्या सर, आईआईटी क्या होता है? क्या सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ, उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जे जेईई। आपको कैसे पता? सर, मेरे ना बाकी दोस्त पीसीएम में, तो वो रोते रहते हैं, पता है मुझे, उन्हें उनको जे बताना कि कभी ये जेईई के एंट्रेंस टेस्ट में आया था, और एडवांस वाले में आया था, नॉर्मल वाले में नहीं। तो एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस जेई में आ रहे हैं अब। एडवांस, वो भी एडवांस में। जेई के दो टेस्ट होते हैं, आईआईटी में जेई मेंस और जेई एडवांस। अभी जो एडवांस होता है वो पहले एक अलग टेस्ट होता था, मतलब प्रॉपर आईआईटी के लिए। तो जो अब प्रॉपर आईआईटी के लिए जेई एडवांस होता है, मेंस तो नॉर्मल कॉलेज के लिए होता है। तो ये एडवांस वाले पेपर में था, अब जो एडवांस होता है उस वाले पेपर में था, पर उस टाइम उसका नाम एडवांस नहीं होता था। चलो, इस क्वेश्चन में हमें डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब क्वेश्चन आईआईटी का है तो सीधे साधे तरीके से तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। यहाँ पर वाई है, ठीक है? ओके, एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, बताओ जरा। वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस स्केयरिंग हम बाद एक्स, में, हाँ, स्केयरिंग हमने किया तो रूट ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर वाई स्क्वेयर इंटू वन प्लस एक्स, ठीक है? हम डायरेक्टली लॉग भी तो ले सकते हैं। लॉग क्यों ले हम, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल तो है ही नहीं, ठीक अच्छा है? ओ लॉग तो हम वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल में लेते हैं ना, और इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स भी नहीं है। एक्स स्क्वेयर वाई, हम इसे लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो गलत हो सकता है या नहीं, वो ठीक होगा। मैंने कभी इसको ट्राई कर किया तो नहीं कि लॉग लेके करें तो होगा कि नहीं होगा, आप ट्राई करना। ठीक है, आई ट्राई। मतलब आप लॉग से बाहर निकले नहीं हो अभी। ना वो बहुत इजी लग गया, मुझे वो पसंद आ गया है। वाई स्क्वेयर एक्स, ठीक है? लॉग के बाद हम दो एक्सरसाइज कर चुके बेटा, लॉग से बाहर निकलो। अरे एक्स स्क्वेयर बट फिक्स से प्लस करवा दी वो वाली, तो फिर मेरा हो गया था वापस। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स ही हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस टर्म को साथ साथ लिख लो, लेफ्ट में ले आए माइनस हो गया, प्लस ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई है, और ये इस टर्म भी लेफ्ट में लिया होगा। अब इसका वो करते हैं डिफरेंशिएशन। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यस ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? जैसे भी आप एक्स माइनस वाई कॉमन ले सकते हो। एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है?
आइदर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो या एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो? नॉट इक्वल टू जीरो, दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अब एक्स और वाई तो अलग अलग वेरिएबल हाँ, है ना, और एक्स क्या आएगा हमारे पास, दिस इज, दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो है तो एक को तो डेफिनेटली जीरो होना पड़ेगा, तो जीरो कौन सी टर्म होगी, ये वाली। दिस इम्प्लाइज, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई को वाई वाई कॉमन ले लें, 1 प्लस एक्स, और एक्स को ले जाए हम राइट में, सो वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इस पे क्वेश्चन टू लगाओ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एज इट इज इनटू 1 माइनस माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 -1 होगा, एक्स माइनस एक्स क्या माइनस एक्स होगा ना वहां पे, माइनस क्योंकि एक्स हमने होगा। 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करा तो ओके एक्स को तो एज इट इज। ओके, 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 और 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर आना चाहिए, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है। सर इसमें भी हमने सॉल्व तो डिवाइड बाय डीएक्स इस्तेमाल से किया, बाकी सब तो सिंपलीफिकेशन थी। 15th वाला देखो, एक्स माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल फॉर सम सी ग्रेटर देन प्रूव दैट डी वाई बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर डी प्लस टू वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2 अपॉन d2y/dx2, और आपको प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, देखो जरा डिफरेंशिएट कर दो इसको, कर दो तो फटाफट डिफरेंशिएट। पहले पहले स्टेप में। आपको सरप्राइज लग रहा है, पहले स्टेप में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जबकि अब आपको, तक आया मुझसे। हाँ पर लिखो इसका डेरिवेटिव, तो एक्स माइनस ए इनटू 1 तो वो तो 1 हो गया, ठीक है, ठीक टू वाई माइनस बी इनटू 1 इनटू इनटू डी वाई बाई डी एक्स और सी स्क्वायर का 0। हाँ, 2 को कॉमन ले लो और कैंसिल कर दो, को कॉमन ले लो तो कॉम वो उधर जाके 0 हो जाएगा इसलिए कैंसिल हुआ। एंड यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो हम इसको राइट साइड में लेके जाएंगे और फिर तो वाई डी माइनस बी एक्स के नीचे चला जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी। माइनस ठीक है, अब इसको वापस डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो,
वाई माइनस क्वेश्चन टू लगाओगे, माइनस को बाहर रखो, माइनस को बाहर रखना वरना बीच में बार बार तंग करेगा। तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और हम अगर एक्स माइनस ए का करेंगे तो वन वन इंटू वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या आ जाएगा यहाँ से? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाहर ही है तो वाई माइनस बी माइनस वाई माइनस, तो उसको मल्टीप्लाई कर दे डी वाई बाई डी एक्स के साथ। या नहीं इसको एज इट इज छोड़ दो आप। ओ डी वाई पर डी एक्स की वैल्यू प्लस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी डी टू वाई ठीक है। यसो तो ये हो गया हमारे पास माइनस हो, देखो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू सी 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 स्क्वायर। सॉरी हाँ सी स्क्वायर वाई माइनस बी भी तो होगा नीचे क्यूब नहीं हो जाएगा वो क्या? हाँ बिल्कुल, वहां पे वाई माइनस बी का होल क्यूब नहीं हो जाएगा। सॉरी अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड करना है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन d2y/dx। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास तो हम 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी उसका होल स्क्वायर और होल रेज टू द पावर 3/2। तो ये एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, नेगेटिव भी नहीं रहेगा, है ना? हाँ वो प्लस हो जाएगा और होल रेज टू द पावर 3/2 नीचे माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फिर अब हम सिंपलीफाई कैसे करें। ये सर क्या हुआ क्या करा आपने कुछ नहीं किया मैंने, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एलसीएम लिया,
बट आपने उसको d2y dx² क्यों लिखा, उसके अच्छा इक्वल सॉरी, क्यों लिखा? ये तो है ही नहीं ना। हाँ, तो फिर हमने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, तो y-b होल स्क्वायर प्लस x-a होल स्क्वायर अपॉन y-b का होल स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू 4y-b का. तो फिर वो वापस वो हो जाएगा कि वहां पे हम c की वैल्यू पुट कर देंगे कि c² अच्छा इसकी पावर 3/2 होगा तो क्या आएगा? c² × 3/2, तो वो c³ आ जाएगा ना. और नीचे नीचे y-b होल क्यूब. ये आया आपका? एक ऊपर c³, नीचे y-b होल क्यूब, तो y-b y होल क्यूब कैंसिल, और c² को तो c आ जाएगा सिर्फ. ठीक है। अच्छा माइनस सी आएगा इनफैक्ट. सो यहाँ पे आपके पास c² है ना, तो फिर वो ऊपर जाके तो माइनस सी आंसर है. सो अब ये कांस्टेंट आ गया. यही हमें प्रूव करना था कि ये कांस्टेंट है। थोड़ा कंफ्यूजिंग था ठीक है, आज आप शाम को क्या कर रहे हो? को. सो अभी मेरा एक कोर्स चल रहा है, तो उसकी क्लासेस है, इसीलिए मैंने आपकी सुबह ले ली. देखो इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है। cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू cos² a प्लस y sin a. ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर नहीं इसको dy/dx. डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। पहले यहां से एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स क्या आएगा? कॉस वाई अपॉन कॉस cos ऑफ cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस y इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो आप वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसे आप लिखेंगे डीएक्स अपॉन डी वाई। dx अपॉन dy, तो cos y sin y. कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, इस पे हम लगाएंगे क्वेश्चन रूल। अच्छा हाँ, तो ऊपर तो साइन वाई आया नहीं है, बट नीचे कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर इनटू आ जाएगा माइनस साइन वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई माइनस माइनस कॉस वाई एज इट इज रहेगा। कॉस वाई माइनस साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन ए साइन प्लस वन साइन ए प्लस वाई इंटू ए, इनटू ए क्यों? वो एडिशन में ना दोनों, उसका भी तो करेंगे सेम ए प्लस रूल. वाई का तो 0 होना चाहिए ना। ए प्लस वाई का 0 क्यों सोट? मतलब ए प्लस वाई का तो ए का 0 होना चाहिए, वाई का 1 होना चाहिए, तो हाँ, इंटू में यहाँ 0 प्लस 1 आना चाहिए। 0 प्लस 1 ही 1, तो इंटू में यहाँ 1 कह सकते हो आप, वन 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 सॉरी, ए है ना? कांस्टेंट नहीं है लेकिन. हाँ इसीलिए तो 0 हो गया, ओके वाई का 1 हुआ है, क्योंकि बाय हम बाय. डिफरेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हाँ जी.
तो यहां से आ गया dx अपॉन dy, डीवाई डीवाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई होल स्क्वायर कहां पर? अच्छा डिनोमिनेटर में। अब ये क्या बना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस, हाँ तो ये क्या होना चाहिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी, दिस हाँ वाई कैंसिल, तो डीएक्स अपॉन डी वाई इस साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब बस हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे बिकॉज़ हमें dy by dx चाहिए। तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो और इसमें तो ये सब तो कंफ्यूजिंग हो गया, अब इसमें तो स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, बाकी सब में तो टाइप्स रेकग्नाइज करके आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि बेटा 100 नंबर तब आते हैं जब सारा सिलेबस याद हो, अब ये दोनों तीनों क्वेश्चन ऐसे थे कि मोस्टली इनमें लर्निंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो यूज हो ही रहे थे, बट इस स्टेप के बाद करना क्या है, बहुत कुछ किया जा सकता है, पर हमें किस डायरेक्शन को लेके करना है वो सारा लर्निंग बेस्ड था, मतलब मेमोरी हाँ में, इसके बाद हमें ये करना है। करने को तो आप सीधा डेरिवेटिव भी कर देते, पर उससे आंसर तो आप नहीं निकाल पाते, तो ये थोड़ा सा तो होता ही है। एक तो होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन जिनको आप सीधा डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो प्रूव करना वो हो जाएगा, एक होते हैं उनमें कुछ ट्रिकी स्टेप्स होते हैं वो आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। कॉस टी प्लस में टी साइन टी, जरा करो इसका डेरिवेटिव करो, डीएक्स बाई डी टी निकालो यहाँ से। क्या आएगा? ए एज इट इज माइनस साइन टी प्लस टी साइन टी, तो टी हमारा वेरिएबल है तो उसका टी साइन टी में वो लगेगा प्रोडक्ट रूल। पैरामीट्रिक, हाँ टी साइन टी में प्रोडक्ट रूल लगेगा, पैरामीट्रिक फंक्शन है, एक्स का डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे। टी साइन टी में प्रोडक्ट रूल, तो टी पहले कॉस टी इनटू टी, टी का 1 होगा तो साइन टी, तो माइनस साइन टी प्लस साइन टी कैंसिल हो जाएगा, डीएक्स बाय डी टी ए कॉस टी। अब वाई का करना है, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, कॉस एक सेकंड पर माइनस करो इसको, करो जरा ए एज इट इज कॉस टी माइनस माइनस का वो प्लस हो जाएगा, अच्छा नहीं माइनस बाहर ही रखते हैं, ठीक है
माइनस टी कॉस टी का साइन टी, माइनस टी साइन टी प्लस टी का मान हो गया तो कॉस टी, तो ये डी वाई बाई डी टी आया हमारा ए कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, तो कॉस टी कैंसिल, डी वाई बाई डी टी ए टी साइन टी, AT साइन टी या तो फिर अब डी वाई बाई डी एक्स ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, तो सर वो ए टी तो कैंसिल हो गया, साइन टी कॉस टी टैन टी, टेन टी। अब d2y/dx2 क्या होगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टैन टी का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर टी, sec square t। अच्छा, यहाँ तो sec square sec t का किया आपने डेरिवेटिव, तो इसके t का भी तो डेरिवेटिव हुआ, होता है ना? सेक्स का। हाँ तो तो t का डेरिवेटिव क्या होगा? डीएक्स बाई डी टी, dx by dt। नहीं, dt by dx, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अगर आप यहाँ secant square x होता तो secant square टेंजेंट एक्स होता तो सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाता, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाता, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। लेकिन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो टी का डेरिवेटिव हुआ डी टी बाई डी एक्स। डी टी वाई जैसे वाई का करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। हाँ ऐसे डी जब वाई टी का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डी टी बाई डी एक्स। अच्छा, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लो आप। डी टी बाई डी एक्स की वन अपॉन ए टी कॉस टी, हाँ, ये फाइनली क्या आंसर हो जाएगा? 1/80 इनटू कॉस टी को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे ऊपर ले जाके, तो सीकेंट क्यूब टी हो जाएगा। सो वहां पे सेक्स स्क्वायर टी होना चाहिए ना, हाँ, वहां पर सेक्स स्क्वायर टी होना चाहिए। और सीकेंट क्यूब टी क्यों? नीचे अच्छा कॉस अच्छा ऊपर जाएगा तो कॉस का सीकेंट टी बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर पहले से है, दोनों मल्टीप्लाई होके सीकेंट क्यूब बन जाएगा। 1/80 इनटू सेक क्यूब टी, ओके ठीक है, सर। आई थिंक ये 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd आपको नहीं करवाएंगे, करवाएंगे तो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, 18, 19, 21st 18 से 22 तक, ओके देन 23rd, नहीं है आपकी बुक में नहीं है? हाँ, एक बार दिखा ना आपकी बुक में कौन कौन से क्वेश्चन है। आप मिसलेनियस का फोटो भेजना। बेच। भेजा मैंने आपको, अगला पेज नेक्स्ट। अच्छा, दोनों भेज दिया आपने। ओके ओके ओके। भेज
अच्छा, 16 हमने कर, 17 कर लिया, अगर 18 या वाले ये करवाएंगे तो हम भी कर लेंगे। ठीक है, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला आपका कौन सा समय, क्वेश्चन नंबर 22। ए टू द पावर ए, तो एक क्वेश्चन इन्होंने हटाया कौन सा, 15 के बाद 16, 17, 18, आपकी बुक में 22 है, मेरी में 23 है, लेकिन 15 नंबर तक तो नंबरिंग सेम है, 16 भी सेम है, 17 भी सेम है, 18 भी सेम है। अच्छा, 19 हटा दिया, पता नहीं। 19 हमारा कुछ और है। हाँ, 19 आपका, मेरे जो आपका 19 है मेरी बुक में वो 20 है, 19 नहीं है। y इज इक्वल टू e टू द पावर a, अब इन्होंने इंडक्शन वाला क्वेश्चन हटा दिया, ठीक है, इंडक्शन वाला क्वेश्चन हटा दिया, लेकिन मैट्रिक्स में इंडक्शन वाला क्वेश्चन छोड़ रखा है, तो इंडक्शन सिलेबस से हटना चाहिए था, क्योंकि वो 11th में भी इंडक्शन हट गया था, तो इंडक्शन 12th में नहीं हो सकता, लेकिन मैट्रिक्स में इंडक्शन वाला क्वेश्चन हटाना भूल गए, यहाँ पर हटा दिया। सीबीएसई ये हमें प्रूव करना है, वो आप बुक में रीड कर लीजिए, पावर वन मैंने माइनस, लिखा। ठीक है, चलो डीवाई बाई डीएक्स फाइंड करो यहाँ से, यहां पे तो लॉग लगाएंगे बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्यों क्यों? लगाएंगे आप बताओ, अच्छा, नहीं, चेन रूल तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें तो हमें लॉग लगाना अलाउड होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, देखो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हो गया डेरिवेटिव, एक ई टू द पावर एक्स तो सबसे सिंपल डेरिवेटिव होता है, और कॉम्प्लिकेटेड तो होता ही नहीं की पावर में, और जब हमने ए कॉस इनवर्स का किया तो ए कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस के साथ होता है, तो यहाँ माइनस आएगा, उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में मैंने बताया था कि ऐसे वाले क्वेश्चंस जो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स टाइप होते हैं, इसमें ये जो टर्म आती है डिनोमिनेटर में, इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अच्छा इसके जगह मैं लिख रहा हूँ वाई, तो y माइनस वी वाई, -a अब इसको डिफरेंशिएट करो, वापस वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, d2 y by dx square plus प्लस अब रूट का जब करेंगे तो 1/2 टू, 1 - x² और फिर 1 - x² कभी करेंगे तो ऊपर 2x। और dy/dx as it is इक्वल टू माइनस ए वाई, अब माइनस ए तो ऐसे ही रहेगा, dy/dx हो जाएगा बस। तो यस क्या आ गए यहां से देखो जरा, यहां पर हम 2 से 2 को कट कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आएगा हमारा 1/1 - x² अंडर रूट, और यहाँ पे 1 - x² अंडर रूट, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो d2y/dx² प्लस अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा,
इंटू डी टू वाई बाई डी डीएक्स प्लस वन प्लस dy by dx. प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स अच्छा भी तो बचा है, x dy by dx अपॉन रूट माइनस भी वन. बचा है, माइनस को यहीं पर लगा दो, है ना, इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी इसको राइट में मल्टीप्लाई कर दें तो ओके ये हमारे पास आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, अच्छा ये आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई हमें बाई बस व्हाट एक पर वाई प्रूफ करना है, बाकी सब तो हो गया. इज इट, इसको देखो जरा ध्यान से, ये जो सर्कल्ड टर्म है माइनस ए वाई. माइनस ए वाई, इसके जगह आप लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस ए वाई, इनटू ए भी तो होगा सर. माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू। टू माइनस ए स्क्वायर वन. यस ठीक है, जी. एग्जाम्पल 48। क्या बता दो, एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दो, क्योंकि मेरे में तो एग्जाम्पल 43 तक. डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स साइन स्क्वेयर एक्स हाँ मिल गया विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर, कॉस और एक्स. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। लेट यू इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स, वी इज इक्वल टू ई टू द पावर कॉस एक्स। ओके जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको यू अज्यूम करो, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको वी अज्यूम करो। जी. टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हाँ ओके. तो फिर हाँ, टू साइन एक्स कॉस एक्स, फिर वी का होगा ई कॉस एक्स एज इट इज इनटू माइनस साइन एक्स. ये तो डी अब डी यू है ये। हम डी यू अपॉन डी वी निकालेंगे, डी वी अपॉन डी यू. हमें इसको डिफरेंशिएट करना है ना हाँ साइंस को, तो डी यू निकलेगा, किसके रिस्पेक्ट में करना है वो डी वी होगा, वी है ये, मैंने वाई की तरह लिखा है। जिसके हम रिस्पेक्ट में करते हैं उसे हम डिनोमिनेटर में डालते हैं बेसिकली. यस तो टू साइन
एक्स कॉस एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर कॉस एक्स इनटू माइनस एक्स। तो साइन एक्स आंसर हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। टू टू कॉस एक्स अपॉन माइनस ई रेज टू द पावर कॉस एक्स बस। ये होगा ठीक हाँ है। जी 47 करो, मतलब तो आपकी बुक में इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन है। फॉर अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट ए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेयर वाई इज इक्वल टू डी वो वाला ना। हाँ करो आप उसमें 1 मिनट में। हुआ बेटा, सो फर्स्ट वाले का तो हम ऐसे ही करेंगे ना कि डी वाई बाई डी टी ए रेस टू द पार टी वन हाँ टी लॉग ए। आपने ये नहीं लिखा। नहीं लॉग ए तक करा है बट उसके बाद हमने वन माइनस वो क्यों पावर कभी करा? करेंगे, पावर कभी करेंगे। बेटर डी एक्स बाई डी टी क्या होगा। पावर आ भी आ जाएगी वो तो कांस्टेंट है तो ए टी वन वन टी ए रेस तो पावर माइनस हाँ इस पर अब इसमें आप लॉग से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो गलत कर दिया कुछ। हाँ आपकी बात ठीक है, क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद डी बस वाई नीचे डी वाला अंदर अंदर वाले का होगा ना बस लॉग तो नहीं आएगा बस। वाले का होगा, लोग नहीं आएगा। हाँ फिर डी वाई अपॉन डी एक्स वो ए टी प्लस वन अपॉन टी लॉग ए वन माइनस वन टी स्क्वायर अपॉन
ए टी 1 प्लस 1 प्लस टी ए माइनस इनटू 1 माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों टर्म्स में, तो आएगा क्या? a रेस्ट पार्ट t प्लस 1 प्लस t लॉग a अपॉन a इनटू t प्लस 1 अपॉन t होल रेस्ट पार a माइनस 1। बस यही आंसर। हाँ ये आंसर आएगा। चलो ये 45 का 45 को एग्जांपल करो। तो क्वेश्चन बता दो इससे जस्ट पहले वाला। साइन एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स वाला। सो साइन एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स वाला ना। हाँ, साइन कॉस इनवर्स ऑफ साइन हाँ? एक्स ये वाला है। नहीं मेरे से इससे पहले वाला तो साइन एक्स रेज़ टू द पावर साइन एक्स वाला। ओ मिल गया। हाँ क्वेश्चन 40 कॉस इनवर्स, क्वेश्चन 40 का फर्स्ट पार्ट है ये। कॉस इनवर्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इनटू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स एंड अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। आंसर -1 है सर। हाँ -1। हाँ ठीक है, क्या किया आपने? कॉस साइन इसमें चेंज किया तो बट इसने जैसे किया मैंने वैसे नहीं किया, मैंने डिफरेंट करा आपने? ऐसे नहीं किया, है। नहीं ऐसे ही करना चाहिए था बट मैंने क्या किया, मैं आपको बताऊं, ऐसे। मैंने -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का। इनवर्स वालों में मैंने बोला था ना कि सिंप्लीफाई करके करना होता है, ऐसे नहीं। बट सर उससे भी तो आंसर सही नहीं आया। तो कॉट इनवर्स वाले कब निकाल के दिखाना मुझे, उसका कैसे आएगा? उसका नहीं आएगा बट इसमें तो आ गया। ऐसे नहीं, उसके मार्क्स देख रहे हैं, आपने ऐसे कर दिया था। नेक्स्ट ये वाला करो, 10 इनवर्स। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। मेबी वही पहले सिंप्लीफाई करना होगा। साइन एक्स को क्या लिखोगे? अब इसमें तो करना पड़ेगा y इज इक्वल टू टेन प्लस को साइन एक्स को लिखेंगे हम 2 साइन x/2 cos x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 cos² x/2 टू कैंसिल cos भी कैंसिल, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 tan
एक्स बाय टू वाई इज इक्वल टू एक्स बाय टू वाई इज इक्वल टू हाफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ सॉरी यस सो y is equal to sine inverse one सो आपने क्या किया इसमें अभी एक बार एक्सप्लेन करोगे हाँ टू टू द पावर एक्स को मैं एक्स प्लस वन को मैंने लिखा टू टू द पावर एक्स इंटू टू, ओके फोर टू द पावर एक्स को मैंने लिखा टू का स्क्वेयर रेज टू पावर एक्स, टू टू द पावर एक्स का होल स्क्वेयर, फोर एक्स को टू रेस टू पावर टू पर तो वो टू एक्स रेस टू द पावर होल का होल स्क्वायर कैसे होगा पावर इंटरचेंज हो जाती है, बाहर वाली पावर अंदर लिखी जा सकती है, अंदर वाली पावर बाहर लिखी जा सकती है। तो हमें से साइन के रेस्पेक्ट में करना अब ये बन जाएगा एक्स को हम 10 थीटा डालेंगे, टू टू द पावर एक्स को 10 थीटा डालेंगे, थीटा क्या है? थीटा तो वाई तो टू थीटा आ गया थीटा लेकिन हमारा है टू एक्स रेस टू द पावर एक्स तो वाई हो जाएगा हमारा टैन इनवर्स टू एक्स टू टैन इनवर्स टू रेस टू द पावर एक्स अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स टू एज इट इज रहेगा इंटू वन वन प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर तो टू अपॉन वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर सर क्या हो ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, है ना? वन भाई ये एक्स के जगह है तो इसका स्क्वेयर होगा, हाँ वो तो कर दिया मैंने वन प्लस फोर एक्स का होल स्क्वायर फोर वन एक्स प्लस स्क्वायर स्क्वेयर इंटू में इस टू टू द पावर एक्स का भी तो डेरिवेटिव होगा, और वो भी होगा टू भी होगा एक टू बिकॉज़ टू था हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट वो भी होगा। तो ये आएगा टू अपॉन वन प्लस, ये देखो ये हो जाएगा फोर टू द पावर एक्स हाँ फोर टू द पावर एक्स इंटू टू टू द पावर एक्स लॉग टू, ये आंसर आएगा आपका। फोर टू द पावर एक्स हाँ जी ठीक है, यस डेरिवेटिव आपका कंप्लीट हुआ। आज शाम हाँ जी को क्या कर रहे हो? आपने बताया नहीं। तो मैंने बताया तो मैंने एक कोर्स ज्वाइन करा है तो उसकी क्लासेस है अभी डेली आपके पास पहले कम कोर्स है जो आपने और ज्वाइन कर लिया, कौन तो वो मैंने 11th ग्रेड में किया था हमने सा? करना सर वाली बात कर दी और मैंने 11th ग्रेड में किया था बट मैंने उन्हें बोला था कि जब 11th के फाइनल्स खत्म होंगे तब आई डू दैट इसीलिए कौन सर सा? और मैं
लगता नहीं था कि वो पहले स्टार्ट कर देंगे स्कूल, तो स्कूल उन्होंने फरवरी में स्टार्ट कर दिया। वो तो होता ही है बेटा, स्कूल तो फैमिली स्टार्ट होता है। नहीं लेकिन अभी सीबीएसई का जो नोटिस आया है हमारा स्कूल वो भी इग्नोर कर रहा है, और उन्होंने बात स्कूल कोई स्कूल मैंने बंद नहीं होता देखा, उस नोटिस से सारे स्कूल चल रहे हैं, पता मेरे नहीं बेटे कोई के स्कूल चल रहा है, मेरे पास तो और लोग जा रहे हैं उनके स्कूल चल नहीं। रहे हैं। ये नोटिस होगा ना, कोई सीरियस के नहीं लेता, ये गवर्नमेंट स्कूलों के लिए होते हैं नोटिस। हाँ तो तो उन्होंने मैसेज लिख दिया और फिर उन्होंने बोला कि लेकिन आपके लिए नहीं है, 12th ग्रेड नॉर्मली फंक्शन करेगा। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? बढ़िया बैगे सर, बहुत ही 3 वीक्स की बात है तो खन्ना सर से भी बात करिए, तो आधा घंटा ना ये उनकी क्लास तो मैं जल्दी लीव कर रही हूँ। उन्होंने मुझे डांट दिया, कहते तुम मेरी क्लास छोड़ रहे हो, मगर नहीं नहीं मैं सब कर लूंगी, आधा घंटा जल्दी लीव करेंगे सर। आपकी क्लास जो है हम मॉर्निंग में ट्राई टू कवर करेंगे कि कवर हो जाए, मतलब कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग कुछ कर सकें, जैसे भी जैसे सैटरडे वाली तो मिस होगी नहीं, सैटरडे सैटरडे वाली मिस नहीं होगी, सिर्फ वेडनेसडे वेडनेसडे वाली वाली। का प्रॉब्लम आएगा क्योंकि मंडे टू फ्राइडे है वो कोर्स ना। अच्छा, किस चीज का कोर्स है मैम? डिजिटल लाइक ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का सर है, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का। इसके थोड़े सीवी में ऐड हो जाएंगे ना कोर्सेज अब आगे, तो अच्छा, फिर उसलिए थोड़ा बहुत करवा रहे हैं। और बच्चा जितना एक्सपोजर होता है ना सर, थोड़ा आगे 12th के जाने के लिए भी इसको एक्सपोजर हो जाएगा, और लॉ तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग चल ही रहा है। चलो ठीक है मैम। बट थोड़ा हाँ मैं तो वैसे मजाक में बोल रहा था कि पहले आपके पास नहीं काम है नहीं क्या, कोई क्लास ज्वाइन कर सर, लिया। स्कूल वालों ने सांस लेने की तो फुर्सत दी नहीं ना बच्चों को, सांस ही नहीं लिया बच्चों ने, तो छुट्टी मतलब कुछ है ही नहीं इन बच्चों के लिए तो। पर वही आप 12th है, 12th भी करनी है और लॉ भी, मतलब सब कुछ कैरी करना ही है, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी है अपनी, वही है। जी हाँ एक चीज और है सर, सर इसका ना जी कौन का जैसे ये मॉक दे रही है तो कौन के एनालिसिस आ रहे हैं, वो 15 नंबर का है सर कौन, जो इसका अब सेक्शन वाइज हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, तो उसका एनालिसिस जैसे आ रहा है उसमें जैसे पंड्या को टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मतलब अगर किसी भी दिन एक हफ्ते में एक दिन ना इसके साथ एनालिसिस अगर आप डिस्कस कर सकें कि कैसे, मतलब उसमें ना शॉर्टकट्स बता रहे हैं वो कि कैसे करना है, क्योंकि इसको क्वेश्चन आप टच वुड आपसे मैथ्स कर रही है तो अब ये कर पा रही है क्वांट, मतलब फर्क पड़ गया है क्वांट का, पहले तो इसने अटेम्प्ट ही नहीं कर रही थी ना, अब ये अटेम्प्ट भी कर रही है और जितने अटेम्प्ट कर रही है वो करेक्ट भी कर रही है। जी, तो थोड़ा सा अगर गाइडेंस मिल जाए आधा घंटा या पौने घंटे का ना, तो इसका एनालिसिस जो है ना एक बार सर इसका डिस्कस अगर आप कर लें, जो चलो मैं रिजल्ट, हाँ एक हर बार, हफ्ते का जो भी चार्जेस रहेंगे वो कोई इशू नहीं है, एज अ क्लास ले लेना, मतलब आई डोंट माइंड दैट वे, बट थोड़ा सा इसको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा ना सर, क्योंकि अब इसके सेक्शन सारे स्ट्रॉन्ग करने हैं, मतलब मेरे को चाहिए एनएलयू बैंक, मतलब इसका खुद का ड्रीम है कि एनएलयू बैंगलोर हो जाए, क्योंकि अब वर्किंग सेक्शन वाइज इंटेलिजेंट बच्चा, आई नो शी कैन डू इट, अगर थोड़ा सा पुश मिले या हम टीचर्स का पेरेंट्स का थोड़ा सा सपोर्ट हो तो बच्चा कर जाएगा, तो वही है थोड़ा सा क्योंकि ठीक है क्वांट का। मैम। हाँ अगर अभी जो उन्होंने कंडक्ट किया होगा ना कोई, ये वो मुझे एक बार भेज दीजिएगा। हाँ भेज देगी सर आपको एक बार, चाहे आप मतलब मॉक देती है ना, इसने मॉक वो हर वीक कंडक्ट करें लीगल एज वाले, एवरी वीक दे संडे को मॉक देते हैं 2 घंटे का, और उसका एनालिसिस अगले दिन, मतलब कहाँ बच्चा कैसे कर सकता है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट कर तो सके। जैसे उन्होंने एक पाई चार्ट दिया था, ठीक है, जो अभी वाला मैंने अटेम्प्ट करा था वो पाई चार्ट करा था, बट मैंने पाई चार्ट में सारी पांचों चीजों की वैल्यूज निकाली थी पहले, बट उन्होंने कहा था आपको रादर वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाओ और फिर आप अपनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से देखो, और उन्होंने सीधा डिग्रीज से आंसर ही निकाल दिए थे, उन्होंने सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकाली। अच्छा, मतलब क्या है, एक बार क्वेश्चन मुझे भेज देना। बाकी हाँ, उसमें यही होता है कि डिग्री थीटा अपॉन 360 करके और इंटू में टोटल वैल्यू जो होती है वो हाँ हाँ लगाते मैंने वैसे ही निकाला था, हैं। वैसे मैंने वो निकाला था करा था, बट वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना सर, कोई अच्छा। एनालिसिस एनालिसिस शेयर नहीं हो सकता, मुझे या तो स्क्रीन शेयर करके एक बार सर को दिखाया सर, एक बार आप हाँ, शेयर करके उसका स्क्रीन दिखाओ। शॉट लेके फिर मुझे या तो शेयर कर देना वैसे, क्योंकि नॉर्मली यस तो वो डाउनलोड नहीं होता है, उसका फोटो ही खींचना पड़ेगा स्क्रीन से। हाँ, या स्क्रीन शेयर करके आपके साथ हाँ कभी क्लास वो में दिखा देंगे। एनालिसिस, और वो एक्चुअली वीडियो एनालिसिस है, तो ईच क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करके बताते हैं वो फिर। अच्छा चलो, एक बार फिर भी जो या तो जो पेपर आपको मिला हो वो या कुछ भी मुझे भेज देना। तो क्वांट में मेरे को जहां तक उम्मीद है ना, अगर पन्या क्वांट की प्रैक्टिस करेगी, मतलब जो जैसे ये चल रही है तो मतलब ये फुल 3 स्कोर कर लेगी, मतलब जो मैंने अभी तक इसको मॉक देते हुए देखा है ना, जो भी मतलब आई एम जस्ट गेटिंग कि कैसे कैसे चल रहा है, तो वो मेरा जो चल रहा है क्योंकि थोड़ा करंट अफेयर्स इसका ढीला है बेसिकली। अच्छा, हाँ सर बच्चे ये आज थोड़ा सा मतलब करंट अफेयर्स वगैरह में, हम ये बच्चे थोड़ा न्यूज़ वगैरह या न्यूज़पेपर वगैरह का इनका काम होता है।
हाँ नहीं सर, न्यूज़पेपर भी आ रहा है, हिंदू का भी आ रहा है, करंट अफेयर्स में एक्चुअली कोर्स जो है ना बहुत वास्ट है, 40 नंबर का है, 40 नंबर मेजर उसका क्वांटिटी है उसमें, बट वो कोर्स इतना वास्ट है कि मतलब कि 1.5 साल की तो न्यूज है, उसके बाद लीगल न्यूज है अलग, जी, करना है तो फिर करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो सीधी हाँ बात है, ये मैंने तो करना है। है तो करना है सर, बच्चे कर ही रहे हैं ना तभी तो क्लियर कर रहे हैं क्लैट। हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तो मतलब जैसे नॉर्मल जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें डिपेंड वो होता है कि आपने कितना प्रिपेयर किया, और कॉम्पिटेटिव का होता रहता है कि दूसरे के कंपैरिजन में आपने कितना प्रिपेयर वही किया। तो वहां है पर ठीक, तो कंपैरिजन है, वहां पर आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, वहां पर कंपेरेटिव परफॉर्मेंस है। वही बात है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वही समझा रहे हैं हम इसे। चलो थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। वो मुझे भेज देगी, मैं देख लूंगा एक बार। हाँ जी मैं आपको भेज दूंगी, और मैंने करा था मेरे साइड, रुको मैं आपको अभी भेज। बस मेरे को ये करने के अपनी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है, सो मुझे 15 मिनट से एक ही क्वेश्चन पर लग गए तो पूरा सेक्शन तो अटेम्प्ट ही नहीं हो नहीं, पाया। इतना टाइम तो वहां पर होता ही नहीं है, इतना टाइम तो लगता है। तो फिर तो यही बोला जाता है कि बेटा उस क्वेश्चन को छोड़ दो, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, तो इतना टाइम वहां नहीं लगता। पूरा हो गया, पूरा सॉल्व हो गया, सारे आंसर सही थे, लाइक 5 out of 5 थे, मैंने अच्छा। भेजा। बट फिर उन्होंने बोला था कि आप जो कर रहे हो आप इसको रैदर, जैसे मैंने सबकी आंसर निकाले ना, ईच सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं वो मैंने पहले ही कैलकुलेट करा, तो उन्होंने बोला आप ऐसे मत करो, आप कोई करने की जरूरत नहीं है, आप वो भी कर सकते हो बट उससे वो लंबा प्रोसेस है। The given pie chart show that marks scored by a student in different English, Hindi, Mathematics, Science, Social Science examination. The value of given are given. And the values are given in this. Total marks obtained in the examination. Total marks obtained in the examination are 900. Fine, क्या करना था इसमें? तो आगे क्वेश्चन है, तो अच्छा। मैंने तो पहले पाई चार्ट सॉल्व कर दिया पूरा, आप देखोगे मैंने साइड में कैलकुलेशन करके सारे इंग्लिश टोटल हिंदी मार्क्स सब। 9000 मार्क्स ऑब्टेंड इन मैथमेटिक्स। हाँ अच्छा तो उन्होंने बोला कि आप रादर देन पूरा ऐसे मत सॉल्व करो, आप क्वेश्चंस पे फोकस करो और अपने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाँ, निकालो। तो अगर मान लो उन्होंने, जैसे आपने तो पहले सारे सब्जेक्ट का निकाल दिया, अगर हाँ मान लो उन्होंने हिंदी का नहीं पूछा तो आप हिंदी का क्यों निकालोगे? हाँ जैसे पहले वाले में मैथमेटिक्स पूछा था तो मैथमेटिक्स तो निकालना ही था। नहीं उन्होंने वो हाँ भी कहा कि आप मैथ्स का ऐसे निकालने के बजाय जैसे डिग्रीज करके आप सीधा डिग्रीज से भी निकाल सकते हो, तो वो मैं आपको एक बार वीडियो भी दिखा दूंगी बाद में कि उन्होंने कैसे बोला था, उन्होंने अलग तरीके से सॉल्व कराया। 1 मिनट दो मुझे। मैथमेटिक्स ये वाला है, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस। ओके, ये डिग्रीज लिखे हुए साइड में। हाँ 65-85 हम सब डिग्री सर। अच्छा, तो आपने ये साइड में क्या निकाला हुआ है? जैसे आपने 1/316 to 900 निकाला है, क्या निकाला है? मैंने 1 डिग्री का निकाल दिया, फिर मैंने उसके बाद सारी डिग्री से उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया था ना, मैंने ऐसे किया था एक कि डिग्री का मैंने निकाल। एक डिग्री का निकाल के उसके बाद सब सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, आपने ऐसे किया। या आप इसके कंपैरेटिव ये कर सकते थे कि आप जैसे 80 डिग्री है तो 80/360 कितना होता हो गया, 80/316 to 900 करके। और वो भी कर सकते थे, उन्होंने क्या बोला कि क्या करना है? उन्होंने बोला कि आपने जैसे मार्क्स निकाले आपको मार्क्स निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्टली डिग्री से ही कर सकते थे। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया है कि इफ द टोटल मार्क्स फॉर दिस मार्क्स इन हाँ मैथमेटिक्स। हाँ तो उन्होंने मार्क्स एक डिग्री से ही कैलकुलेट किया। मैं एक से आपको वो भी दिखाऊं मॉक एनालिसिस, रुको एक दिखाना सेकंड। जरूरी।
मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ, तभी दिखा पाओगे आप। हाँ अब एक मेरे को स्क्रीन शेयर का वो ऑप्शन दे दो, मैं उस क्वेश्चन पे जाके आपको दिखा रही हूँ। मैंने ये रिकॉर्डिंग भी बंद नहीं की थी, रिकॉर्डिंग